जिला लोडा ब्लॉक कास्तगढ़ में विभाग आरडीडी की तरफ से धोखाधड़ी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विभाग आरडीडी द्वारा लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है, इससे लोगों में काफी दुख और गुस्सा है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष रामवर रणवीर सिंह चिब ने कहा, दंदल की पंचायत कोई काम नहीं हुआ है। डोडा से हरदेव मन्हास की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ हरदेव मन्हास और आज हम जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं, रणबीर सिंह चिब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वाइस सदर रामबन एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं। महकमा आरडीडी की तरफ से कास्तीगढ़ में जो एक बहुत बड़ी धांधली की गई है उसी के बारे में वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं रणबीर सिंह चिब। आइए हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कास्तीगढ़ ब्लॉक में किस किस्म की धांधलियाँ की गई और किस प्रकार पेमेंट्स में हेरा फेरी की गई है, तरक्याती काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसी के बारे में हम सीधा आपको लिए चलते हैं रणबीर सिंह चिब से, जो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। जी चिब साहब, आप यहाँ पे किसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार, आदाब। जो मैंने पीछे कुछ दो महीने पहले मैंने लगाई थी आरटीआई दंदल पंचायत बी को, तो उसमें करोड़ों रुपये के घोटाले हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो लोन में है ही नहीं है और उनकी पेमेंटें निकाल दी गई हैं। मैं पूरी दंदल पंचायत के लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग घरों से बाहर आएं, जो भी इसमें जो लोग फंसेंगे तो उनको एक कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने में मेरी मदद करें। कुछ काम हैं जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का पाथ चक्रा टू अपर चक्रा, ये ग्राउंड में है ही नहीं है और इसकी पेमेंट इन्होंने निकाल दी है। दूसरा काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फुट ब्रिज एट डंडी, वहाँ पर भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एट चक्रा, वो भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसेंजर शेड एट बसंतगढ़, वो भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसेंजर शेड एट डंडी दंदल बी, तो ये ऐसे बहुत से काम हैं जिसकी पेमेंट लोगों ने खा ली है। और अभी ये लोग डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको काम देंगे, हम आपको पैसा देंगे। कौन लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, मतलब कौन महकमा? यस जो डिपार्टमेंट के लोग हैं। जी तो मैं उनको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी औकात नहीं है मुझे खरीदने की। उनको लगता है कि जैसे कुछ लोग पहले उनके पास गए थे, उन्होंने आटे लगाए थे, उनको छोटा मोटा काम दे दिया और वो उन्होंने अपनी फाइल क्लोज कर दी। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बस मेरा यही निवेदन दंदल पंचायत के लोगों से कि आप लोग सारे सामने आए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। दूसरा काम जो है 14FC का, यह है 18-19 और 19-20 का, ये पैसा है 52,20,000 रुपया। 52,20,000, यस जी। इसमें 7 काम की पेमेंट हुई है, लेकिन ये 7 काम जो जिनके पेमेंट, ये लगभग 15 लाख है और ग्राउंड में कम से कम कोई खिचकी कोई 1-1.5 लाख लगा होगा, बाकी उन्होंने पैसे खा लिए हैं। अभी पीछे डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे आए थे, डिपार्टमेंट कहता कि हमें पता नहीं है कि ये काम कौन करवा रहा है, वहाँ पे सामने सब लोग वहाँ पे गए थे। लेकिन मैं दंदल पंचायत के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम सारे इलीगल तरीके से हो रहे हैं, कोई ग्राम सभा नहीं है, कोई जैसे पीछे बैक टू विलेज हुआ था वहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। तो एक और फाइल है मेरे पास, ये कोई शबीर अहमद है, बेसिकली ये राजगढ़ का है और इसका जॉब कार्ड वहाँ पे भी है और दंदल पंचायत बीवी में है, मतलब दो जगह इसका जॉब कार्ड। यस, और इसकी जो पूरी पेमेंट है, जो पूरी डिटेल है वो मेरे पास है। आइए वाइए का मकान है इसका, उधर राजगढ़ में भी है और दंदल पंचायत बीवी में है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वहाँ के जो सरपंच हैं या कुछ नायब सरपंच है, ये बाहर के लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारे दंदल पंचायत के लोगों को वहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे पास पूरा एविडेंस है कि इसकी जो अपना, आपको दिखाता हूँ अभी मैं, इसका जो है अपना ये देखो, इसका जो जॉब कार्ड है वो ब्लॉक असर जी, ब्लॉक असर में भी है और कास्तीगढ़ में भी है, लेकिन ये वोटर जो इसका लिस्ट है वो है चक्काकुंडी की। तो इसने इसके नाम पे भी लाखों रुपए की जो घोटाले हुए हैं, लेकिन इसको अडॉप्ट किसने किया है तो उसको हमने छानबीन करनी है। और इसको जो इसके पीछे जो कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मेरी दंदल पंचायत लोगों से ये निवेदन है कि मेरा साथ दें ताकि हम इन लोगों को आपने जो ये डाटा जो डेटा आपके पास आया, ये कहाँ से आया, आरटीआई किया या क्या किया? यस, मैंने आरटीआई की थी पिछले 2 महीने पहले और वहाँ पे डिपार्टमेंट लगे जी, उसको जीआरएस को बोलो वो डॉक्यूमेंट देगा, वीएलडब्ल्यू देगा, बीडीओ देगा, तो उन पर आपस में वो लड़ते रहे। लेकिन उन्हें अभी भी मुझे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, मुझे दिए उन्हें 18-19-20 के, जो मैंने आरटीआई लगाई 10 साल सिंस 2010-2020 तक, और 8 साल के डॉक्यूमेंट अभी उनके पास ही हैं। लेकिन जो मेरे पास अभी आए ना, इसमें भी करोड़ों रुपये के घोटाले हैं,
तो जो 8 साल पुराने, तो उसमें और कितने हो सकते हैं, फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।